और केंद्र और प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बहराइच जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसके अंतर्गत जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों पर दो चरणों में 8 एलईडी वैन और विभिन्न विभागों के स्टॉल द्वारा ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का उद्देश्य है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों से आम जनमानस तक पहुंचाना तथा योजनाओं से वंचित लोगों को शिविर के माध्यम से लाभान्वित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। इसमें प्रतिदिन प्रत्येक ब्लॉक में दो गांव को कवर किया जाता है। अभी वर्तमान में 8 जो वैन्स हैं वो जनपद बहराइच में चल रही हैं और जिनके माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक गांव में ये गतिविधि की जा रही है। इसमें विभिन्न विभाग भाग लेते हैं, विशेष रूप से विकास विभाग इसमें भाग लेते हैं और प्रधानमंत्री आवास में जिन लोगों को लाभान्वित किया है, आयुष्मान कार्ड से जिन लोगों को लाभान्वित किया है, कृषि क्षेत्र में जो भी योजनाएं प्रचलित की हैं तो उनके लाभार्थी वहां पर आते हैं, अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं और इसके साथ साथ में जो लोग किसी वजह से योजना से आच्छादित होने से रह गए हैं उनका पंजीकरण भी उस दिन करवाया जाता है। उज्ज्वला योजना जो चलाई गई उससे हमारे यहाँ धर्मपत्नी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है और इससे जो है महिलाओं को धुएं से काफी हद तक निजात मिली है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहना चाहूंगा, मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इस योजना से देश की काफी महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और ये जो संकल्प यात्रा चलाई जा रही है इससे जो है ग्रामीणों को एक छत के नीचे काफी सुविधाएं काफी योजनाओं की जानकारी मिलती है। मुझे किसान सम्मान निधि की पहली किस्त अभी मिली है, मैं उसको पाकर बहुत खुश हूँ। वो मोदी और योगी की सरकार की वजह से मुझे ये मिला है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा, स्वयं सहायता समूह चालू करा, उसके लिए सारे लोगों को काम मिलता है, महिलाओं को शिक्षा मिलता है, महिलाओं को काम भी मिलता है। मुझे आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है जिससे हम अपने परिवार वालों घर वालों और परिवार वालों को 5 लाख तक फ्री इलाज करा सकते हैं। हमको मोदी जी की सारी सेवाओं का लाभ मिलता है, राशन कार्ड भी है,